शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
नमस्ते दुआ सलाम आदाब सत श्री अकाल वड़कम खुशामदीद दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत बहुत आपके अपने उस प्रोग्राम में जिसका नाम है बातें कानून की। भाई कानून की बातें, शब्द जब जहन में आता है तो न जाने कितनी बातें दिलो दिमाग में आ जाती हैं। मसलन कोई कहता है कानून अंधा है, कोई कहता है कानून के हाथ लंबे हैं। भाई और हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब कोई कहता है रहने दो भैया हमें कानून वानून मत सिखाओ। मगर दोस्तों एक बात तो आप मानेंगे, जिस किसी को भी कानून के बारे में जरा सी भी जानकारी है, भरोसा है या फिर वो कानून को जानता या मानता है, वो सब कुछ कर सकता है मगर किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं कर सकता। हमारी इस बात से अगर आप सहमत हैं तो हमें फोन कीजिए, कॉल कीजिए 9898। अबे भैया आने वाले हैं तो खोलो जल्दी। अरे धनिया खोलो। हाँ हाँ। अरे यार तुम लोगों को कुछ आता वाता नहीं है, खोलो रे। अरे भैया बड़ा मूड में लग रहे हैं। अबे गधों, भैया आ रहे हैं और तुम लोग सुस्ती मचा रहे हो। अरे रात भर बीबी के साथ चिपके रहते हो, नींद नहीं पूरी होती क्या? पागल। अरे चतुर भैया पड़े होंगे किसी की बीबी के साथ, क्यों धनिया तभी तो नहीं दिखाए पड़े। मस्ती चढ़ रही है ना, भैया से कह के दो केस ठोकवा दूंगा ना। क्या भैया आप जब भी देखो तब केस ठोकने की बात करते रहते हैं। वो देख वो आ रहे हैं, वो देख तो वो देखो। लो आ गए कानून के रखवाले भैया चतुर्नाथ चतुर्नाथ, लोमड़ी जैसे दिमाग वाले भैया चतुर्नाथ चतुर्नाथ, बड़े बड़े वकीलों को धूल चटाने वाले भैया चतुर्नाथ चतुर्नाथ, जो रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बना दे भैया चतुर्नाथ चतुर्नाथ। अरे अरे ये चतुर भैया क्या कर रहे हो यार? अरे यार देख नहीं रहे हो क्या कर रहे हैं हम? अरे चतुर्नाथ भैया थोड़ा पानी हमारे लिए बचाए दो। अरे इंतजार करो, जब बारिश हो जाए ना तो धोना का नहा भी लेना पूरा पूरा। हम कानून के रखवाले हैं, छोड़ेंगे नहीं। हम भी कानून के रखवाले, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, भुर्रे के हाथ भेजा देंगे पानी, ठीक है? दे दे पानी, भुर्रे के हाथ में भेजा नहीं है तो काहे छोड़े पानी है? ऐसे हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? भुर्रे कुछ भी हो जाए आज के आज ही ये साइकिल बनना चाहिए। यस सर। चाहे जितना पैसा लग जाए। यस सर यस सर। और एक लेटर नगर पालिका को लिख देना। क्यों सर, उसकी भी साइकिल ठीक करानी है क्या? अबे गधे, जो रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं ना। जी जी। जो गधे ठेकेदार जो हैं, सब घटिया माल, घटिया माल जो लगा रहा है उसके हमें बैंड बजाना है। जी एकदम। अबे क्या करते हो भूल रहे, जल्दी उठाओ। खर्चा एक न लागे, म्यूजिक अंग्रेजी बाजे। बस बहुत हो गया तमाशा, वहाँ मजदूर भूखे मर रहे हैं और आप लोग यहाँ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कब, आखिर कब नागराज को आप लोग सबक सिखाएंगे? अरे जानते हो तुम किन की बात कर रहे हो, वो तुम्हारी चुनौती ही बंद कर देंगे। तंबाकू खरीदने की हैसियत नहीं, चुनौती रखने की बात कर रहे हैं आप लोग। भैया आपने ही उसको सर पे चढ़ा के रखा है। नहीं यूं चुटकियों में सारा तमाशा बंद करवा देता। वीरा तुम आज इतने गुस्से में क्यों हो? भैया आपको पता नहीं है क्या, वहाँ सारे मजदूरों को 6 महीने से पेमेंट नहीं मिली है, सब भूखे मर रहे हैं। अरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं बेचारे, उसके बावजूद खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। अरे भूखे मर रहे हैं उनके बीवी बच्चे,
तो क्या भट्टे में अभी तक मजदूर ट्रेनिंग पर ही है? अरे भैया, लाखों का काम करवा चुके हैं नागराज और उसके गुंडे ट्रेनिंग के नाम पर। अब जो कुछ भी करना है आज ही कर दीजिए। अब न्याय करने का समय आ गया है ना? चलो वही चलते वही हैं। चलते हैं फिर। चलिए भैया। नागराज, ये ठीक नहीं है। वो जमीन हमारी है और तुम सांप की तरह अपना बिल बढ़ाते जा रहे हो। मान जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या, बिल के आगे मुंह तेगा क्या बे? मुतूंगा नहीं, हग दूंगा और तू बिल बिला कर मर जाएगा। अबे बिल में तो हम ही बैठे हैं, तेरे पिछवाड़े ऐसे काटूंगा कि तू सांस भी नहीं ले पाएगा। तूने ये कहावत तो सुनी होगी कि नाक का काटा पानी भी नहीं मांगता है। तू सांप है अगर तो मैं नेवला हूँ, नेवला, तेरा फन कुचल डालूंगा। बस कौन है? नागराज भैया, मीरा ना यहाँ मजदूरों को भड़का रहा है। हमें लगता है कि चतुर्नाग भी उनके साथ मिला हुआ है। अबे क्या ड्रामा चल रहा है बे? जानते हो तुम क्या कर रहे हो चतुर्नाग? आज इन सबको इनका हक मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम समझ लो तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाओगे। मैं तो डर गया। बात 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 कराओ। हेलो, हाँ भैया, लीजिए चतुर्नाथ से बात कर लीजिए। लीजिए। अरे हाँ हाँ, आपके कहने से ही हमने इन सबको लगाया है यहाँ। नागराज जी, आप जानते हैं, हाँ, एक वकील की ताकत एक काला कोट हवा का रास्ता भी बदल देता है। छह महीने का तनख्वाह दे दो, नहीं तो तुम सब रोड पे आ जाओगे। अरे कितना प्रॉब्लम हो रहा है आपको पता है ना? किसी की बेटी की शादी रुक रही है, किसी का बेटा हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, किसी की बीवी कैंसर से मरने जा रही है और आप जो है कि आप क्या अभी तक उनकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है? ट्रेनिंग खत्म होते तक के कोई मर जाए उसका भी आपको ख्याल नहीं है? नागराज जी, ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे वो जो तुम्हारे किट्ठू जो आए हैं ना यहाँ, बड़ा धमकी दे रहे, उनको बात करने के सलीका भी नहीं है। हाँ हाँ, उनको ही लेके आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लो मुचिड़ा रहा है। आई 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 चल तेरी हड्डी निकालता हूँ। चतुर्नाथ गाड़ी छोड़ो। चतुर्नाथ भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो चलो अंदर, बताओ बताओ अंदर। ए घुस चतुर्नाथ भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। चलाओ। ए अरे चतुर्नाथ, तू काला कोट पहन के सचमुच का वकील बन जाता है। अब भैया जी क्या करें, काला कोट पहनने के बाद अन्याय करने का मन ही नहीं होता है। आप न्याय करना, लेकिन हमको ध्यान में रखकर, कहीं न्याय करते करते आपके साथ अन्याय ना हो जाए। भैया जी, आप ही ने हमें फर्जी वकील बनाया है मजदूरों को गुमराह करने के लिए। तो नहीं तो हम तो सारी जिंदगी नौटंकी में पर्दा गिराते उठाते रह जाते। भैया भैया जी, थोड़ा सा आगे से गलती नहीं होगी। आइए वकील साहब, आइए बैठिए।
भैया आपने हमें वकील तो बना दिया है, वैसे हमें कोर्ट भी दिखा दीजिए। चतुर, तू अच्छी तरह से जानता है कि तू एक फर्जी वकील है, झूठा, एक भ्रम है, लोगों के लिए छलावा। और ये जो कोट तूने पहन रखा है ना, ये अदालत आने वाले हर इंसान की उम्मीद की आखिरी किरण होता है। पुलिस, वकील, डॉक्टर, इनकी कोई डिग्री नहीं देखी जाती है। लोग तो यहाँ वर्दी देख के ही पहचान जाते हैं ये कौन है। ये माना मेरे दोस्त कि तू बहुत चतुर है, मगर इतना भी नहीं कि कानून की आंखों में धूल झोंक सके। जब आपने हम पे यकीन कर ही लिया है तो हम इस कोर्ट की इज्जत और मर्यादा कभी खोने नहीं देंगे। क्या डायलॉग मारा है, वाह वकील साहब तो घूम ही गए। आइए वकील साहब, हम लोग अंदर बैठ के बात करते हैं। अरे वकील साहब, हमारा एक केस सॉल्व कर देते। कौन सा केस? एक लड़की को चुम्मा ले लिए थे, उसकी सजा क्या होती है? एक चुम्मे की 10 जूती और 10 चुम्मे की 100। अच्छा चतुर भैया, एक बात बताओ, का तुम भी कभी किसी लड़की को चुम्मा लिए हो? भैया चुम्मी चुम्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, बस कुछ दिन इंतजार करो, जल्दी ही खबर मिलेगी कि कौनो अम्मा बन गई। जब आगे किसी काम करें। अरे रे रे बिजली रानी, इन पेड़ों पे तुम बिजली गिरा रही हो। वैसे भी देश को तुम्हारी बहुत जरूरत है और तुम हो अपनी सारी बिजली इसी पेड़ों पे ही गिरा रही हो। मेरे कलूटे राजा, हम पर केस चुकवाओगे क्या? हाय बिजली रानी, हम सोचत है ना कि तुमको देखकर तो हमारा वैसे ही करंट बढ़ जाता है और शरीर गर्म हो जाता है, तो इस गर्म गर्म शरीर में तुम्हारा ठंडा ठंडा पानी बड़ा मजा। क्या बोला रे कलूटे, जा जा जा, तेरे वकील साहब बुला रहे, पहले उनकी गर्मी दूर कर। कबाब में हड्डी भर्रे जी, जी। तनिक सुनिए, कल हम बड़े प्यार से आपके लिए राखी लाए थे, आप आए क्यों नहीं बनवाने के लिए? बिजली रानी, अभी हम तुम्हारे लिए अभी अभी प्यारा प्यारा सा सोने का मंगलसूत्र लाया था, कब पहनोगी? वकील साहब, रुद्र कह रहा था कि आप हमारा काम नहीं करेंगे। रुद्र ने ठीक से सुना नहीं होगा नागराज, मैंने उससे कहा था कि मैं अब गलत काम नहीं करूंगा। वकील साहब, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, आखिरकार इतना बड़ा साम्राज्य आपके भरोसे ही खड़ा है। नागराज, अगर एक बार मैंने नहीं कह दिया तो नहीं, मैं अपने मुल्क, अपनी सरकार और खासकर इन गरीबों के हक को मारकर तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। वकील साहब, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अबे तू अंदर कैसे आया? भैया जी, बड़ी जोरदार पेशाब लगी थी, बाथरूम आया था, पानी में पैर फिसल के गिर गया भैया। जाने दो नागराज, चलो चतुरनाथ, मैं तुम्हें आज कोर्ट दिखाता हूँ, बड़ी तमन्ना थी ना तुम्हारी कोर्ट देखने की, चलो चलते हैं। सर, आज आपने सबके सामने हम पे भरोसा किया, हमें बहुत अच्छा लगा। इस दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं चतुर, एक वो जो गलत काम करते हैं, दूसरे वो जो हालात के हाथों मजबूर होकर गलत काम करते हैं, और तुम दूसरी किस्म के हो, इसलिए मैं तुम पे भरोसा करता हूँ कि तुम इस कोर्ट का कभी अपमान होने नहीं दोगे, और हाँ, कभी अपमान होने भी ना देना। जी वकील साहब,
पर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कोट मेरी ताकत है, मेरी पहचान है, मेरा जुनून है चतुर। मेरी एक बात हमेशा याद रखना। क्या सर? इस समाज में अगर वकील है तो ही न्याय है। सर हम कानून की बात करते हैं, लेकिन कहां कोई कानून निभाता है। आज आप रोड पे देखिए, बाइक चलाने वालों के लिए सरकार ने हेलमेट पहनने का कानून निकाला है, लेकिन कोई कहां हेलमेट पहनता है, बिना हेलमेट पहने ही गाड़ी चलाता है। और जब एक्सीडेंट होके मारा जाता है तब एहसास होता है कि ये गलत बात है। अब उनको छोड़ो सर, आपके ड्राइवर को ही ले लो। गाड़ी चलाते वक्त बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाता है। और सर आप भी कहाँ कानून निभा पा रहे हो? हमसे फर्जी वकील के काम करवा रहे हो और आप भी गलत काम कर रहे हो। सर एक बात मेरे समझ में नहीं आया, आप नागराज के लिए गलत काम क्यों करते हैं? मैं नागराज के लिए गलत काम करता हूँ चतुर, लेकिन मैंने उसके सारे काले कारनामों का चिट्ठा एक फाइल में बना के रख लिया है वसीयत की शक्ल में। तुम्हीं से तो हस्ताक्षर करवाए हैं हमने उसके। कौन सा फाइल सर? कोई फाइल नहीं, बस वो ऐसे ही। देखो हमें देर हो रही है, कहाँ रह गया बुर्रे? चलो कचहरी दिखाना ना तुम्हें। ए बुर्रे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जाओ अब तुम अदालत देखो, मुझे किसी का इंतजार है, मैं यही रुकता हूँ। ठीक है? ठीक है जी भैया जी, आ जा। भारत माता की जय। नमस्कार वकील साहब। अरे आज तो इस कोर्ट के भाग खुल गए और वकीलों के बीच में डुप्लीकेट वकील दिया। अरे आप कौन सी डिग्री लेकर घूम रहे हो? अबे मेरे पास मेरा आई कार्ड तो है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास आईडी है, मेरे पास में ITUS है, समझे? ITUS? Yes. अबे इतना बड़ा, ये कौन सी डिग्री है? अबे आज तो पहली बार सुने यार। अरे ITUS तो तुम भी करते हो, यानी इसकी टोपी उसके सर। इसकी टोपी उसके सर? हाँ, और सरकारी आदमी होकर भी सफाई का ख्याल नहीं रखते हो। बल्लू सिंह अपनी मर्जी का मालिक है, जहाँ मन होगा थूकेगा और जहाँ मन होगा पाजेगा। तुम्हारी शिकायत जरूर करेंगे इस हिसाब से, तुम जैसे लोग ही थूक थूक के धूम्रपान करके देश को गंदा कर रहे हो। बल्लू सिंह के थूक के छींटे जब पड़ती है ना, तब पता लगता है कि बल्लू सिंह आ गया। और रही साफ जगह की बात, मैं हमेशा साफ जगह ही देख कर थूकता हूँ। इधर आओ बाला। हाँ 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 हाँ। तुम दोनों को नाग भाई के कारण बर्दाश्त कर रहा हूँ बेटा, नहीं तो तुम दोनों के हाथ में कप्पा हथकड़ी लगवा के चक्की पिसवाता। वो तो एसपी साहब ही देख लेंगे। देख लेंगे। सबसे दुश्मनी मोल लिए रहते हो, एक दिन हमको भी मरवाओगे। चुप, कुछ भी बोलते रहते हैं। चल के मुझे अपना बना ले। दिल चाहता है
बसी है कोई ना दिखता मुझको तुझ सा हसी है तेरे बिना दिल मेरा लगता नहीं है जहाँ देखता हूँ मैं तू ही तो वही है छुप छुप के तेरे लिए आहे भरता हूँ खता है यही के हम तुझ पे मरते हैं पागल दीवाना मुझे लोग कहते हैं मनीषा हम ना कोर्ट में तो बड़े बड़े वकीलों को दाग देते हैं कोई नहीं टिकते हमारे सामने लेकिन एक प्यार व्यार के मामले में तो हम खुद ही दब जाते हैं सच में हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं हम भी सच में हम आपके लिए चूड़ी लाए हैं बहुत बढ़िया चूड़ी है हम ना सोच रहे थे कि अलग अलग वाले लेंगे लेकिन एक हाथ टूट जाएगा करके हम एक ही में जुड़े हुए ले लिए सस्ता भी मिला दिखाई ना पहनाते हैं आइए बहुत खूबसूरत है हम भी आपको एक सच्चाई बताना चाहते हैं बताइए हम वकील तो हैं लेकिन अर्जी वकील हैं हम नागराज के लिए काम करते हैं लेकिन हाँ हम कभी अन्याय के लिए नहीं लड़े हैं न्याय के लिए ही लड़े हैं ये कोट पहनने के बाद ना हमें कभी अन्याय का साथ देने का मन नहीं करता है आप हमसे एक वादा करो बोलिए ये कोट की गरिमा है इसे कभी भी नहीं गिरने दोगे नहीं गिरने देंगे हमेशा सच्चाई का ही साथ दोगे चाहे कुछ भी हो झूठ का कभी साथ नहीं दोगे We'll be right back.
आतंकवादी हमला हमारे वकीलों पर हुआ है, न्यायपालिका पर हुआ है, इस पर हम कभी किसी को बख्शेंगे नहीं। जो मृतक हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपए मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुदान देने की घोषणा की गई। हमने सुना है विपक्ष के कुछ लोगों का भी इसमें हाथ है। इसमें हाथ लात की कोई बात नहीं की जा सकती है। आप मीडिया कर्मियों से हमारा अनुरोध है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। हम बर्बाद हो गए भैया, कुछ नहीं बचा हमारा। चतुर्नाथ, तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा, इस आतंकवादी घटना में विराट टंडन जी की भी मौत हो गई। लाओ बैसाखी दो। अब तू इसके सहारे चलकर मेरा काम करेगा। पहले से पता था भैया जी को, बड़े दयावान है आप। ये ले, इस पे साइन कर दे। मैं सरकार की तरफ से और बीमा कंपनी की तरफ से तेरी कुछ मदद करा देता हूँ। ये बीमा कंपनी की तरफ से आए हुए हैं। अच्छा चतुर्नाथ, चलता हूँ, कोई जरूरत होगी तो मुझे याद करना। ये हमारी तरफ से रख लो, पैसा ले लीजिए, ले लीजिए। अब हम अन्याय के साथ नहीं देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। बन गए सत्यवादी हरिश्चंद्र। मुझे पता है चतुर्नाथ, तुम बहुत स्वाभिमानी हो। अरे समय से पहले आके खड़ा हो गया तू। अरे सरकार, बोलिए क्या करना है। ये ले इंस्पेक्टर फाइल, और पैसा आते ही तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा। जैसा आदेश। चतुर भैया डॉक्टर झापा जी। अरे चतुर्नाथ जी, आपको होश आ गया? वाह क्या बात है। डॉक्टर साहब, मेरा एक पैर सुन्न हो गया है। पैर सुन्न हो गया है? अभी चेक करता हूँ। देखो बराबर तो है, ये तो मेरा हाथ लगाते ही कमाल हो गया। क्या बात है सर, उनका दूसरा पैर काम नहीं कर रहा। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं जी। डॉक्टर साहब, मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ, दवा, यूं ठीक हो जाएगा। फ्री में पकड़ लेते रहते हो। दिया तो था, रख दिया आप इधर। अरे मैं दवा सोच रहा था, दवा, दवा का नाम। मैं ये कुछ दवा लिख दे रहा हूं, इसको मंगा के खिला दीजिएगा। चिंता मत कीजिए चतुर्नाथ जी, थोड़ा समय लगेगा, आपका पैर और आसपास की सारी चीजें बिल्कुल बस रास काम करने लगेगी। हाँ हाँ, पैर के साथ और भी बहुत चीजें जुड़ी होती हैं, सब अच्छे से काम करने लगेंगी। सर सर, कुछ लोग बाहर रिसेप्शन पे हल्ला मचा रहे हैं पैसों के लिए। क्या जमाना आ गया है, जब बीमार पड़ते हैं ना तो डॉक्टर ही इनके लिए भगवान होता है। जैसे जैसे वो ठीक होने लगते हैं ना, लुटेरा बना देते हैं, लोगों का विश्वास उठ गया है। डॉक्टर साहब, जब सिस्टम खराब हो जाता है ना, तो अच्छे लोग बदनाम हो जाते हैं।
सही कह रहे हैं चतुर्नाथ जी। सर आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने केबिन में जाइए, मैं आके सर दबा दूंगी। वाह चतुर्नाथ, तुम तो बच गए। तुम जैसे लोगों के कारण ही बेगुनाह लोगों की जान जाती है, सरकार के काम भी बिगाड़ते हो, और तुम वर्दी वाले जो जगह जगह खड़े रहते हो ना, उसके बावजूद भी जगह जगह बम धमाका और आतंकवादी हमले होते रहते हैं। अब देखो ज्यादा मत बोलो चतुर्नाथ, अब तुम वो नहीं रहे, अपंग वकील हो और ऊपर से फर्जी। एक बात बता, मौका वारदात पे तू मौजूद था, तूने किसी को देखा क्या बम लगाते हुए? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तू कैसे बच गया। कोई ना कोई तो झोल झाल जरूर है, तू बचा तो बचा कैसे? इस सब के बारे में मुझे नहीं मालूम है। Excuse me, sir. चतुर्नाथ जी, हम दोनों न्यूज वर्ल्ड से हैं, बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे बचे। हमें शक है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में किसी आतंकवादी का हाथ नहीं, बल्कि मशहूर वकील विराज टंडन को मारने की साजिश रची गई थी। आपको क्या लगता है, आपको किसी पे कोई शक या कोई? चतुर्नाथ जी ये लीजिए हमारा कार्ड, अगर आपको कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम दोनों आपकी मदद करेंगे। ठीक है, चल 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 चल। अरे हम तो सोचते थे हमें फर्जी वकील है, लेकिन यहाँ तो जितने भी आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं सब फर्जी फर्जी हैं। अरे मायरे, डॉक्टर भी फर्जी, सब फर्जी। अरे फर्जियों की लिस्ट है, नागराज भैया जो होती है ना उसको ला, कैसे भी कर। हाँ, देखिए कम से कम ये तो नहीं फर्जी है। पता चल रहा है फर्जी फर्जी आ गए, हम तो मार डालेंगे। पैर दो ना। हाँ चप्पल। अरे आइए आइए चतुर्नाथ भैया, भाई इनका सब लोग स्वागत करो, महीनों बाद आए हैं। हैरान मत होइए, हम लोगों ने आपको अपना मसीहा समझा था, लेकिन आपने तो हमें ही लूट लिया। हमने हमेशा तुम लोगों के बारे में ही सोचा है। तुमने जिस तरह फर्जी वकील बनकर हम लोगों को लूटा है, हम लोगों के हक को मारा है, छोड़ेंगे नहीं आपको। हमने हमेशा अन्याय के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी। न्याय और अन्याय की बातें तुम्हारे मुँह से अच्छी नहीं लगती चतुर्नाथ। जो गरीबों का हक मारता है वो न्याय और अन्याय की बातें कर रहा है। देखो भाइयों। ए चतुर्नाथ, अब तुम्हारी जगह हमें रखा गया है यहाँ पे। बहुत हक मारा है तुमने इन गरीब मजदूरों का, इन गरीब मजदूरों की लड़ाई अब हम लड़ेंगे। और सुनो, तुम्हारी तरह फर्जी वकील नहीं है, असली वकील है, असली, समझे? चल भाग यहाँ से, दोबारा दिखाई मत पड़ना यहाँ पे। चले जाओ चतुर्नाथ, इसको यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ टूट जाए, चले जाओ यहाँ से। बताए तुम्हें क्या हुआ है हमारे साथ? क्या हुआ? कभी हनी हना, कभी मुट्ठी भर चना, और आज तो वो भी मना। ए भैया तेल दीजिए। ये चलेगा ना? अरे सर में दर्द, ऐसा ही है, हम ऐसे ही गर्म है, हमारे सर में तेल मत लगाओ। ये जानते हैं सर के गर्मी को ठंडा कर देता है तो ये पेट की आग को नहीं ठंडा करेगा। <हुँ। laughs>
चाहे जो हूँ, अगर चिंटू चिपको मिल गया ना, उसे जमीनों में चिपका देंगे। मैं हूँ चिंटू चिपके, जिसके पीछे अच्छे अच्छे लटके। हमारा ना चिंटू चिपके है, ये पुलिस वाले हमें चोरी के इल्जाम में फंसा कर हमारे एनकाउंटर कर देना चाहते हैं। भैया आप हमें बचा लो भैया। तू चोर है? हाँ क्या अब चोरी चमारी सब छोड़ दिए भैया, अब हम बस बच्चों की सहायता करते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं भैया, बहुत अच्छा काम करते हैं हम। वो कैसे देखना चाहते हैं तो ये देखिए। अबे ये क्या है? ये है बीए का पेपर और इसका आंसर। ये क्या निकाल रहे हो? और भी है? अबे तू तो स्टेशनरी दुकान है पूरा। ये है इंटर का, ये है फर्स्ट ईयर का, और ये है नाइन्थ का। छात्रों की जिंदगी बर्बाद करते हो, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं और बोलते हैं अच्छा काम करते हो। और बचा लो मुझे है? हम अल्लाह की कसम खाते हैं, अब से कोई गलत काम नहीं करेंगे और सब छोड़ देंगे। अबे अल्लाह कसम खा रहे हाँ। तो बचा लो, बचा लो भैया। वो टोपी टोपी पहन ले, ये आ जा, जला दे सब इसको, सब जलाना पड़ेगा, आता है तो तूफान लेकर। अरे यार कमर में तो बड़ा बदबू आ रहा है। क्या बे चटुनाथ, तुमने किसी बड़े बाल वाले लौंडे को भागते हुए देखा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब। ये कौन है बे? ये भुर्रे की पत्नी, हमारी बीवी। हाँ अबे देखो बे देखो, इस पागल को भी मिल गई, क्या नसीब पाया है बे भुर्रे। अरे पागल को तो सोना मिलती है, ये लीला है। अरे भौजी सुन भैया, आप खुद काहे कुछ नहीं बोलती? अरे शर्माती है गूंगी। सेवा भाभी का रिलेशन तो बहुत गहरा होता है, उसमें शर्माने की थोड़ा ये लटक लटक के बोलती है, बोलने लगेंगी ना तो आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। चुप रे, तेरी पत्नी बैठी नहीं तो अभी तुझको पहुंचे था। माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, ये थोड़ा कल रात से नहीं खाया ना तो दिमाग इस कर लग हुआ है। यार चतुर्नाथ भूरे, तुमको देख के कभी कभी कोई दया आती है यार। अब देखो तुम्हारा जो मैंने नमक खाया है, कुछ तो ईमानदारी बनती है ना यार। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब? अरे नागराज भी असली नाग है, और ये तो तुमको शायद पता होगा कि नहीं, तेरा 10 लाख का बीमा था, 10 लाख का। और याद है हॉस्पिटल में पेपर साइन करने के लिए दिया था तुझको, उसमें लिखा था कि तेरे मरने के बाद उस बीमे का पैसा नागराज को दिया जाएगा, और जो सरकार की तरफ से मिला है ना मुआवजा 5-5 लाख रुपए का, वो भी उसने हाथ दिया। और तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, कुछ पैसे मेरी जेब में भी आए 50,000, इसलिए तो कहा कि तेरा नमक खाया है। हमसे इतनी बड़ी साजिश रची गई और हमें हाथ में 2 फीट के पैसा की पकड़ा कर दुख जता कर चले गए। अब तो वृद्ध घोषित हो गया, तेरी तो कहानी लगी है। अब जा घूम आराम से, रिलैक्स घूम, चलो बे। भैया गए वो लोग क्या? हाँ वो चले गए, कंबल दे मेरा। गया वो? हाँ गया। भैया आप न्याय की बात करते हैं, आप तो खुद को ही नहीं बचा पाए, लेकिन चिंता मत करिए, आपने हमें बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, अब हम इस लड़ाई में आपके साथ में हिस्सा लेंगे। ये चतुर, वाह भाई, आपने तो हमें ही ठग लिया, हमें मारकर हमारे सारे पैसे उड़ा लिया। क्या बकते हो, किसने तुझसे कहा? बल्लू इंस्पेक्टर ने। अरे चतुर्नाथ, भला मैं तेरा पैसा हड़प करके क्या करूँगा, वो भी तेरे मरने का। राम 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 राम। भैया जी हमने उस इंस्पेक्टर के बाद पे आकर आप पर शक किया, हमें माफ कर दो। चलो तुम्हें माफ किया। भैया कोई नौकरी है तो दे दो ना, नहीं तो हम तो भूखे मर जाएंगे। अभी तो मेरे पास काम नहीं है, जब होगा तो तुम्हें बुला लेंगे। अच्छा भैया। अबे सुन, भैया ही तेरा पैसा मारे हैं, पूरे
15 लाख। तेरी वकालत की ट्रेनिंग में जो पैसा खर्च हुआ ना, वो पैसा पूरा भैया निकाल लिया है, समझा? उन्होंने हमारा पैसा नहीं हड़पा है, सरकार का पैसा हड़प किया है। जाने दे रुद्र, सरकार तो पब्लिक के फायदे के लिए है। भैया जी, आप इतने बड़े कमीना निकलेंगे हमने सोचा नहीं था। सरकार गरीबों की मदद के लिए पैसा भेजता है और आप सरकार का ही पैसा हड़प कर लेते हैं। अभी और राजा बोल, तेरी सिंहासन बत्तीसी भी छिन गई, अभी अकड़ नहीं गई। भैया जी, आपको इस पाप की सजा जरूर मिलेगा, देख लेना। अबे लंगड़े, चलने का यहाँ से, वरना तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाएगी, न चलने लायक रहेगा ना अगले। भैया, मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, कर कर अभी 100-200 दंड फैलता हूँ। आपको क्या हुआ चतुर जी? ये बर्बाद करके रख दिया है, रोड पे आ गए, भूखे मर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गए हैं, अब देवदास बनना बाकी है। मतलब? मतलब नागराज ने इनके पिछवाड़े पे लात मारकर निकाल दिया है। इतना बड़ा धोखा हुआ, काम से नागराज भी निकाल दिया है। हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे, हमारा जिंदगी कैसे कटेगा, हम तो पूरा बर्बाद हो गए। जिसको हम प्यार करते थे वो भी बलास्त में मर गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चतुर जी, आप 2 मिनट बस रुकिए यहाँ पे। ए, लंगड़ा आ गया, देख अबे सही से पकड़ क्या कर रहा है। तुझे काम चाहिए था ना? हाँ। पहले से वेरोनिका के सहायक के रूप में काम कर चुका है, आज से तू वेरोनिका के सहायक के रूप में काम करेगा, और इन दोनों फुंतरुओं को भी अपने साथ रख लो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बिजली, मैडम को आराम करवाने ले जाओ। जी भैया। चतुर्नाथ, तुम लोग भी जाओ। जी भैया। सुन चतुर्नाथ, अब होगा कड़कनाथ। नाम है उसका कड़क नाच नहीं है, जानते हो उसका नाम है, पर नाच तो हम देख कर ही रहे। क्या निकल यहाँ से, अबे नाचने वाली को पटाकर तो घर में घुस गया, लेकिन हमसे बच कर रहना। चापड़ा, प्लीज इज एन इमरजेंसी। डॉक्टर चापड़ा, या आगे जाइए, आगे जाके लेफ्ट। हाँ हाँ, उधर। हाँ ठीक है, चलो चलो, चल बैठते हैं। अबे चल छोड़ ना। चल बैठते हैं, चल। डॉक्टर चापड़ा, प्लीज डॉक्टर चापड़ा आओ। सर, मंत्री साहब के आदमी आए। लेटाइए लेटाइए, पकड़ता नहीं है, सिर्फ हट हट, हटिए 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 हटिए। हाँ देखने दीजिए, इनका एक सिटी स्कैन करना पड़ेगा। घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे लगता है इनके ब्रेन में कुछ दिक्कत है। राजीव जी, इनका अर्जेंट सिटी स्कैन निकलवाइए। ओके सर। लुक, चतुर जी को होश आ रहा है। इनको होश आ गया, आइए आइए, हाथ लगाओ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमें? मुझे लगता है चतुर्नाथ जी, आपके ब्रेन में कुछ क्लॉटिंग की समस्या है, इसलिए सिटी स्कैन कराना जरूरी है।
अबे बहुत देर हो गई, आया नहीं लंगड़ा, देखे क्या? चल चतुर्नाथ जी, आपकी सिटी स्कैन की रिपोर्ट तो आ गई है, कुछ समस्याएं हैं। ब्लड क्लॉटिंग है आपके दिमाग में, इससे आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, लकवा मार सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं। पिछली बार बम धमाके में उसमें ये रेक्टिफाइड नहीं हो पाया था कि आपको तकलीफ क्या है। डॉक्टर साहब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितना पैसा लग जाएगा? 10 लाख रुपए का खर्चा है। 10 लाख? इतनी जल्दी 10 लाख कहाँ से आएंगे? यहाँ डॉक्टर साहब खाने के लिए जहर का पैसा नहीं है। डॉक्टर साहब अभी तो मेरे पास नौकरी भी नहीं है, घर बार सब लूट गया है, मैं इतना जल्दी 10 लाख कहाँ से लाऊं? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ चतुर्नाथ जी, आप एक अच्छे वकील हैं, लेकिन पैसे के मामले में मैं तो मजबूर हूँ। आपके पास सिर्फ 15 से 20 दिन का समय है। यहाँ पर तो लगता है कोई बहुत बड़ा गेम हो रहा है। परेशान मत होइए, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ और जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर लीजिए। अबे देख लो कितने हरामी हैं यार, बैंक खोल रहे हैं और जितना माल है उसको अंदर करेंगे, फिर ब्लास्ट कर देंगे और मजदूरों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। कितना गुना कराओगे नागराज? भट्टे की ऑफिस को ही बैंक बना दिया भाई साहब, 300 करोड़ का मामला है। 300 नोटों की बारिश होगी तो अपनी भी तो जेब में आ गई। सर हम लोगों को तो नोटों से मतलब है। बैंक खुलने के पक्ष में शाम को नाच गाने का प्रोग्राम होगा। लीजिए भाई साहब खाइए। नागराज भैया के ये स्टाइल है, देख के ही जानी।
वहाँ छिछोरे हो तुम, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। अरे क्यों खाम खासा कर रही हो? एक मरीज आई थी, वो मेरे ऊपर गिर गई, मैंने उसको हॉस्पिटल बेड पे लिटा दिया, कहीं लिपस्टिक लग गई होगी, तो इतना इसमें शक करने की क्या हो सकता है? जब से हॉस्पिटल में तुम्हारी वो नई असिस्टेंट आई हुई है ना, तब से देख रही हूँ तुम बहुत लपका रहे हो, और ये लिपस्टिक का दाम भी उसी का होगा। तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। क्या कर लोगे मेरा? सर सर सर, वो चतुर्नाथ जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत 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 अर्जेंट काम है उनको। तुम ऊपर कैसे आ गए? सर उनको अर्जेंट काम होगी, मेरा बेडरूम है। अरे सर वो इमरजेंसी। सर चापलूसी का, एक तो इधर ये खिटपिट कर रखी है और एक गधा कहीं का मूड खराब करके रख दिया सबके सबने। इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, आज फैसला होकर रहेगा, वरना भैया से शिकायत कर दूंगी। आज जो कुछ भी हो मेरे भैया के वजह से हो, समझे? जब तक कोई सबूत नहीं मिलता तुम चुप ही रहो। ये सबूत नहीं है तो क्या है? अरे ये कोई सबूत नहीं है, और कोई मैं तुम्हारे भाई से डरता वरता नहीं। हॉस्पिटल के चक्कर लेना, तसल्ली हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हें सबूत ला कर दिखाऊंगी और हॉस्पिटल भी आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी? मेरा ही हॉस्पिटल है, मेरे भैया ने ही बनवाया है। बहुत हो चुका, जा रहा हूं मैं हॉस्पिटल। हो गया मेरा, वो मेरा आला कहाँ है? आपके गले में लटका हुआ है, मन तो करता है कि इसे अपना गला दबा दूं। सच्ची में मारेगी क्या? हाँ मार दूंगी। मैं चल रहा हूँ, बहुत हो गया। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हॉस्पिटल आ रही हूँ। चुप रहो, हम खा डांटी रहती हो, जहाँ देखो हॉस्पिटल में जाती हो। अबे नौटंकी बाज, तू यही बैठा है? चतुर्नाथ जी कहाँ है? आपकी महाभारत सुन के चले गए। चल तेरे को हॉस्पिटल में पेंटर लगाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, नए अड्डे पर हमले के बाद लोगों में भय का माहौल छाया हुआ है। अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। मृतक लोगों के परिवार से लोगों का ओए नीचे कर ले कैमरा। क्या बात है, बड़ी चमक रही है जाने मन। बड़ी चिकनी है भाई। ये क्या कर रही है? ये कर कर क्या रही है ये? वो तो नंबर प्लेट पे जूता रखे भाग रहे हैं, कैसे खींचूं? इन लोफरों को देख लूंगी मैं। अरे धक्का लगा भाई, इंस्पेक्टर नहीं बनना है तुम दोनों को। अरे लगा रहे सर। भैया सर अपना पैसा कमा रहे हैं खूब, सरकारी गाड़ी बारात में भेज दिए। खटपटिया गाड़ी को धक्का लगवा रहे हैं। हाँ। गाड़ी भेजिए तो सोशल वर्क हो रहा है बे, उससे शादी ब्याह होगा, लोगों को खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ देना यही तो पुलिस का काम है। अरे यारो तुम लोग को इंस्पेक्टर बनना है कि नहीं, हेल्प बनानी है कि नहीं? धक्का मारो मारो ना है। जी सर मारो यार। अरे बलू सिंह कहाँ जा रहे हो? अरे भाई ये लौंडियों का जूता पहने लगे तुम लोग यार। अरे लौंडिया नहीं, गांव में रिपोर्टर आई हुई है। रिपोर्टर? रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही है अपनी, उसी का जूता है। अरे यारो तुम लोग की लौंडिया बाजी की आदत एक दिन मेरी नाक भी ले जाएगी। क्या बल्लू? अरे बदन बड़ा छरेरा है। अरे छरेरा क्या बताए तुम लोग को। अच्छा जाते जाते एक काम करना, बीच में मिलेगी उसकी जूती दे रहे तुम जरा है, ये लो रख लो संभाल के। यारो क्या क्या पुलिस से तुम लोग काम करवाओगे? अरे कोई नहीं, तंग आ गए हमें लगता है, नाक भाई से शिकायत करनी पड़ेगी तुम लोग। ना भैया कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ पेट्रोल का खर्चा ही भिजवाएंगे। निकल रहे ठीक है, पेट्रोल का खर्चा पहुंच जाएगा। निकल निकल देखो ना सामने। चलो चलो भैया। चलो चलो। अबे तुम क्यों रुके? धक्का मारो आ जाओ से, चलो जल्दी। मैडम इस सुनसान जंगल में घूम रही है, यहाँ कौन सी न्यूज रिपोर्ट कर रही है? आप समझ में नहीं आ रहा है, आप जैसे लोगों की वजह से ना इन गुंडों की हिम्मत बढ़ती जाती है। हिम्मत का ना कहिए मैडम, हिम्मत का ना कहिए, ये तो कहिए आपका जूता ही उठाया है, कहीं आपको जूते के साथ उठा तो कहाँ जूते है? ये पकड़िए जूता अपना, जिसको ढूंढ के हम लाए हैं। आप महिलाओं की सुरक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अरे हम नहीं दे रहे हैं तो कौन दे रहा है? इस एरिया में पुलिस
जूता ढूंढ सकती है, वो क्या नहीं कर सकती आप बताइए। औरतों की सुरक्षा पे यहाँ बड़ा ध्यान दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग पत्रकार लोग बुद्धिमान सुनसान एरिया में घूमेंगे तो क्या होगा? देखिए ऐसा है कि अब बहस नहीं कर सकते। सरकारी आदमी अगर आपको शर्म नहीं आती पान खाते हैं, देखते आप कहाँ थूकते इतने साफ एरिया में। शर्म जिसने की शर्म और उसके बूटे करम। वाह 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 वाह। सुनो इधर आओ। क्या? इधर आओ, हम बताते हैं। ये क्या, इतनी हिम्मत तुम्हारी? अरे हिम्मत गाना कहिए मैडम, हमें तो उसकी किस्मत बना दी। इसकी जेब में छू गया, मतलब कि आपको लाइसेंस पत्रकारिता का मिल गया। अगर आपको कोई दिक्कत हो, बल्लू सिंह 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है, सुबह हो चाहे रात। क्या हमारा मोबाइल नंबर लेते जाइए? लूंगी मैं तुम्हें मीडिया वालों से पंगा। और ना हो तो अपना देते जाइए भाई। हेलो। चतुर करीमा को क्या हो गया? हर बात का हर दो चुटकियों में निकाल देता था। गोरी मैम, ये उस काले कोट का कमाल था। अच्छा, उसको पहनते ही भैया का दिमाग घोड़े की तरह एकदम दौड़ने अच्छा। लगता था। और वो कोट कहाँ है? अब वो कोट मेरे पास है। गोरी मैम, इसके पहनते ही सारी समस्याओं का हल चतुर भैया तुरंत निकालेंगे। ओके, मैं इसको सिलकर चतुरना को जरूर पहनाऊंगी। चिंटू जी, ये लीजिए तेल, भुर्रे जी को जरा अच्छे से लगा दीजिए। हाँ, आपने दिया है तो पूरा खत्म कर देंगे, ऐसे रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़। अरे बिजली रानी, हम भी तुमको तेल लगाने का मौका देंगे। हाँ, वो तो तेल लगाने के बाद ही पता चलेगा कि बिजली को कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। हाय हाय बिजली रानी। बिजली जी का दिया हुआ तेल से बड़ी खुशी हो रही है। हाय हाय, तेरे हाथ से खुशी हो रही है। ये क्या हुआ? अरे आप इतनी जोर जोर झटक क्यों रहे हैं? अरे बिजली रानी के झटके यहाँ आए। वाह भाई वाह। ते चिंटू चिपके ते, ये तो मेरे हाथ में भी होने लगी भैया खुजली। अरे कौन सा तेल बिजली रानी दे दी? खुजली वाला तेल दे दिया। पहले तुम अपने बदन में लगाकर चेक नहीं कर सकता था? दीदी ये तो सिल ही नहीं रहा है। कैसे सिलूं? न्यू आइडिया, फटा फट हो जाएगा। ये देखो पकड़ो। कैसे पकड़ो? चलो चतुर के पास जाए। चलो लगा बिजली का 440 वोल्ट का झटका। 440 वोल्ट नहीं, पूरा 11,000 लगा है। गौरी मैम को देखकर आपकी नजरें तो टिकटिका रही थी, गिरने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ। आपके पैरों में तो जान आ गई है। आप शर्माना भी सीख गए हैं। अभी आपने
तो सिर्फ टेलर देखा है टेलर, अभी तो पूरी फिल्म पड़ी है। जब पूरी फिल्म देखोगे ना तो ऑपरेशन का खर्चा भी बच जाएगा। धत तेरी तो। सुना नहीं, तुम्हारा कुछ ये मालूम आ जाएगा। चतुर्नाथ, अपनी जान बचाने के लिए ये कोट पहनो। अब मैं दोबारा इसका अपमान नहीं कर सकता। ये पहनो ना। नहीं नहीं, पहनूंगा इसको। भैया इसे आप पहन लीजिए, तभी आप अपने बचने का रास्ता निकाल सकते हैं। हाँ भैया आप इसे पहन लीजिए, नहीं तो मनीषा जी को दिया हुआ वचन आप कैसे निभाएंगे, और उनकी मौत का बदला भी तो लेना है आपको। रख ओला। नागराज के बैंक के बाहर मैंने दो लोगों को बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग करते हुए सुना है। तूने ठीक से रेकी तो कर ली है ना? 15 दिन के बाद हमें फिर से बम ब्लास्ट करना है, पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए राम, रेकी तो बराबर से हो गई है, पर चाचा को इस बार बराबर काम चाहिए। इस बार हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो हमारा काम बराबर कर सके। भैया क्या? अगर मैं आपके काम में काम कर सकता हूं तो मैं। तू काम करेगा? बैसाखी तेरी है ना? हाँ भाई। अच्छा, अपने धंधे में लंबे लोगों का कोई काम नहीं है? मेरा एक भाई है। अच्छा, गुंडा है क्या? हाँ वही समझ लो, वो कर सकता है काम। क्या करे, नंबर दे दे क्या? दे दे। मैं सोच रहा हूँ कि उसी बम ब्लास्ट में अपने ही हम सकल जो मेरे भाई होंगे, दो लोग वो मारे जाएंगे। एक होगा गुंडा जो आतंकवादियों का साथ देगा, और एक होगा वार्ड बॉय जो डॉक्टरों के साथ काम करेगा, जो दो लवारिस लाश लाने में मदद करेगा। और जिस दिन धमाका होगा उस दिन वो भी। वाह भैया वाह। और उसका एक्सीडेंटल जो बीमा है 5-5 लाख रुपया जो भुर्रे को मिलेगा। अरे वाह। जिससे मैं अपना इलाज कराऊंगा। वाह भैया वाह। पर भैया आपके तो पैर ठीक है नहीं, आप तो हैं लंगड़े, तो ये सब करेंगे कैसे? हाँ पर करेंगे कैसे? भुर्रे ये देख कैसे करेंगे। ए ले। अरे अरे ए कमाल भैया, भैया ये तो चमत्कार हो गया। चलो चतुर्नाथ भैया की जय। लड़की से प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया, का कहा मैंने मान लिया। एक लड़की से प्यार किया, वो मेरे जिगरे चाची चाहत थी, जान के भी चूम लिया।
चिप लुक गिवनी लुक जान मेरी जरा थोड़ा तो रुक 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 मेरी चाहत की दीवानगी देखो जो बार बार तुझे देता हूँ लुक होगा जो होने दो प्यार मुझे करने दो अपनी मर्जी है तो दुनिया को मरने दो ये दिल बस तुझ पे ही आज तो बहुत माल आया। अबे चतुर्नाथ तू तो लंगड़ा हो गया था, अबे तू कब से चलने लायक हो गया है? चतुर्नाथ के होने और ना होने से तुम्हें मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। अबे ओए ये चतुर्नाथ नहीं भैरवनाथ हैं, चतुर्नाथ के भाई। भाई अबे लेकिन इसको कभी देखा तो है नहीं है? ओए हमारे भैरव भैया की चतुर भैया से कभी बनी नहीं, इसलिए तुम दोनों बेवकूफों ने कभी साथ में देखा नहीं, समझे? क्यों भैया? चतुर्नाथ भैया तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, जो सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। और कहा हमारे भैरव भैया जो सिर्फ अन्याय ही करते हैं, क्यों भैया? चतुर्नाथ भैया ने दिया है खास आपके लिए है। ये तो यार भैरव ना निकला, दाढ़ी है, जल भी रहे, क्या मतलब? समझ में नहीं आ रहा यार। चतुर्नाथ है ना, कुछ भी करते रहता है, जब फंस जाता है ना तो मुझे याद करता है। चलो लंगड़े के पास। तो भैया कर ले अस्त्र शस्त्र तैयार। कर लो, चल हट। बहुत गड़बड़ है, ये लगता तो चतुर्नाथ ही है, लेकिन ये भाई इसका कब पैदा हो गया, कब इसकी डिलीवरी हो गई मालूम ही नहीं पड़ा। हाँ हाँ चतुर्नाथ जी, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा आपका भाई है, क्या नाम बताया आपने? बटुकनाथ। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको हॉस्पिटल भेज दीजिए, मैं इसको वार्ड बॉय की नौकरी दे दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ ओके ओके। सर, हाँ मेरी वजह से आपकी अपनी बीबी से लड़ाई हो गई है। जानू तुम्हारा हाथ कितना मुलायम है। और जोर से दबाओ सर, बड़ा मजा आ रहा है। और दबाओ। ठीक है सर। इसको भी इस चीज में बदला था, ऑफ टाइम मुझे कोई चाय लेने नहीं देता। बटुकनाथ हाँ हाँ भेज दीजिए। छोड़ो यार मूड खराब हो गया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार बताइए। चतुर्नाथ का भाई बटुकनाथ चतुर्नाथ जैसा दिखता है। डॉक्टर साहब मैं चतुर्नाथ का भाई बटुकनाथ हूँ, हम तीन भाई हैं, भैरवनाथ बटुकनाथ चतुर्नाथ, तीनों हम सकल हैं। क्या कर सकते हैं मेरे लिए बताइए आप? कुछ भी काम कर सकता हूँ, झाड़ू पोछा ऑपरेशन थिएटर में साफ सफाई जो भी है सब कुछ, लाश उठाना पड़े तो लाश भी उठा लूंगा। तो एक काम करिए जी, कल से हमारे यहाँ काम पे आ जाइए। और हमारा जो वार्ड बॉय लात उठाने का काम करता था वो छुट्टी पे गया हुआ है, उसकी जगह पे आप काम करिए, और आपने अगर अच्छा काम किया तो हम आपको परमानेंट कर देंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए हम तनख्वाह थोड़ी कम देंगे। चलेगा, कोई बात नहीं। वेरी गुड, मुर्दा दिखा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं। Thank you.
अरे भैरव, इन दोनों को भी साथ लाए हो? अबे हम भैया के लटके हैं। लटके नहीं समझता क्या? अबे असिस्टेंट। असिस्टेंट? अब आ ही गए हो तो चलो इन दोनों को भी काम समझा देते हैं। सिखाई दो। सुन भैरव, तू हमारा आदमी है, जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, समझा? सुन भैरव, मेरा प्लान, इसके तुझे 10 लाख मिलेंगे जिससे तू अपने भाई का इलाज करा सकता है, समझा? अबे हमें नागराज भैया के बैंक को उड़ाना है, लास्ट एकदम सही सा होना चाहिए, समझा? भैया ये तो बहुत बड़ा गेम है। जैसा हमने सोचा था वैसा ही। ये तो हमारे भी बाप निकले। बम दे। ला दे। ले भाई। अच्छा हाँ, तुम लोग हमारा बाहर इंतजार करो, हम लोग अभी आते हैं। ठीक है भाई, चलो चलो चलता हूँ। चलो नहरा। ठीक हो जाएगा। और हाँ, तुम लोग ध्यान से सुनो, ये पूरी तरह से आतंकवादी घटना लगनी चाहिए, समझे? ये कौन है? अबे ये नागराज भैया है, अबे इन्हीं की बैंक में तो ब्लास्ट करना है। नमस्कार भैया, माफ करना, हमने नहीं पहचाना आपको। ठीक है, चल तुझे माफ किया। कोई टेंशन की बात नहीं है, इस एरिया में मीडिया के अंतर्गत मैंने खबर फैला दी है कि दो आतंकवादी जो है बम धमाका करने के चक्कर में इस एरिया में घूम रहे हैं। अरे जोरदार धमाका करिए, सबको मजा है कम से कम, क्यों भाई हो? इनको तो धमाके में ही मजा। ये कौन आ गए थी? कौन? ये कौन है? चमचा। अरे ये बड़े बड़े चमचे हैं। यही तो है असली बीमा कंपनी। हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। बैंक तो एक बहाना है, बैंक से ही तो शुरुआत करके सारी बस्ती को जलाना है। भैया ने तो इसीलिए 300 करोड़ का बीमा करवाया है। भाई साहब, 300 करोड़ का मामला है, 300। भट्टे की ऑफिस को ही बैंक बना दिया? अरे भाई साहब, अगर भट्टे के ऑफिस को बैंक नहीं बनाएंगे तो झोपड़िया 1 किलोमीटर दूर चलाएंगे। मजदूर जो है मारे जाएंगे, उनका इंश्योरेंस भी अंदर करेंगे, लेकिन हमको क्या रहे, हम तो भी कमीने हैं। आतंकवादी घटना दिखा के हम लोग 300 तो हड़पेंगे ही, और साथ में प्रशासन जो लीपा पोती करने के चक्कर में पैसा देगी वो अलग। और हाँ, किसी ने मेरा काम करने से मना कर दिया था। पूरे 300 करोड़ का मसला है, इस प्लान में हम सभी का फायदा है। नागराज एक बार फिर से खून की होली खेलना चाहता है, वो मासूमों का कत्ल करके अपनी तिजोरी भरना चाहता है, और चाहता है कि उसके इस घिनौने से काम में मैं उसकी मदद करूं। अरे पागल हो गया है नागराज, पागल। जाके कह दीजिएगा कि विराट टंडन आज के बाद उसके किसी भी गलत काम में उसका साथ नहीं देगा। मैंने उसे कचहरी में बम से उड़वा दिया। तेरे भाई चतुर्नाथ, उसकी मंगेतर बेचारी गलती से मारी गई। और हाँ, तूने अगर कोई चालाकी की तो तेरा नंबर तो मैं ले लूंगा, समझा? चतुर्नाथ के इलाज के लिए मैं पूरे 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन काम पूरा परफेक्ट होना चाहिए। आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा, और इसके लिए हम खुद मानव बम बनेंगे और अपने भाई बटुकनाथ को भी साथ में लेंगे। पांडव तो नहीं हो? हाँ? वो हॉस्पिटल में काम करता है, चाहो तो तुम जाके मिल सकते हो, उसका चेहरा जला हुआ है। तू सही कह रहा या गलत पता लग जाएगा। आप लोगों ने जैसा बताया था उससे भी खतरनाक निकले हम लोग। भले हम मर जाएंगे, लेकिन बेचारे मजदूरों की भी जिंदगी बर्बाद होने नहीं देंगे। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन इनके साजिश में हमने अपने मनीषा को खो दिया। हाँ भैया, चुप हो जाइए, वो तो बेचारी निर्दोष मारी गई, उसका तो इस सब से कुछ लेना देना ही नहीं था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? बुर्रे। हाँ भैया, मेरा कोट निकाल।
करंट लगा। अब हम उन्हें उन्हीं के ही चाल से मात देंगे। विराट सर ने किसी फाइल की बात की थी जिससे नाक के फन को दबाया जा सकता है। मैं नागराज के लिए गलत काम करता हूँ चतुर, लेकिन मैंने उसके सारे काले कारनामों का चिट्ठा एक फाइल में बना के रख लिया है वसीयत की शक्ल में। तुम्हीं से तो हस्ताक्षर करवाए हैं हमने उसके। अगर ये फाइल मिल जाए तो काम ही बन जाएगा। चिंटू ये काम तू ही कर सकता है, लग जा मेरे मिट्टी के शेर। हाँ चतुर भैया, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और फाइल ये तो हमारे नज़र पड़ते ही फाइल पर फाइल आपके हाथ में होगी। क्या लंगड़े, तू इधर क्या कर रहा है? हाय मिस, तीनों ना किस। जाने तो उनके मुंह नहीं लगते, चलो। अबे भाई कहाँ है तेरा भाई? हाँ हॉस्पिटल में जा देख ले और मेरा दवा भी ले आना। किस चीज की? दौड़ने की, चलने की? अबे नहीं उसकी। चल तेरे भाई को हॉस्पिटल में देखते हैं, है ना? चल चल भाई। यस आता हूँ। चलो बिच्छी। काम करता है क्या? हाँ काम करता है। किधर मिलेगा? अबे बटन क्यों मार रहे हो भाई? सफाई कर्मचारी कहीं कहीं साफ साफ कर रहा होगा, इसी कमरे में पड़ा होगा। वही चतुर्नाथ का भाई ना। आ, आ, भाई। अरे मारा क्यों? पूछने से बता देते। चल बता किधर है। अरे किसी कमरे में होगा ना। अच्छा चल 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 देख उधर देख बेटा बटू। बाथरूम में सफाई कर रहा है, चल देखते हैं इसको। ये रहा। हाँ अबे ये कौन है यार? क्या कर रहा है? बटन दबा दे। ये ले पानी क्यों फेंक रहा है? अबे पानी फेंकेगा तो धोएगा कैसे? सारा गीला कर दिया, चल बांध कर। अरे क्या अबे देख के नहीं कर पाता है? अबे चल दरवाजा बंद कर। अबे ये कौन है? भटकना सोया है। ठीक 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 अबे तुमको किसने फोड़ दिया? अबे क्या हुआ येड़े? अरे तेरे को बोला था ना मैंने शादी नहीं करने का, फुटवाट के आ गया ना। और कैसे हुआ रे? अरे शादी में बाबू ने दहेज मांगा, बाबू भी पिटा और मेरी हालत हो गई है। अबे तू भी पिटा, बाप भी पिटा। अरे कमीना, दो छोटे दुश्मन मजे ले रहे हैं। अच्छा ये होता कपड़े का रखे हैं, कपड़े कबाड़ में है ना? ठीक है ठीक है। शादी नहीं करतेगा बिल्कुल भी, समझ में आ गया। चल 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 निकल यार, वो बटुकनाथ को ढूंढना है। चल 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 तू सो जा बेटा। सोए सोए सर। चल 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 चल। क्या चाहिए चतुर्नाथ? जरा अपना मास्क तो हटा के दिखाओ। मैं हूँ बटुकनाथ।
चतुरनाथ। चतुरनाथ और कहीं है, मैं भटुकनाथ हूँ। क्या बकते हो, तुम भटुकनाथ हो कि चतुरनाथ हो? भटुकनाथ बोल दिया ना। इसका मास्क उतार, मास्क उतार अपना। ये मास्क निकाल। गलती हो गया, माफ कर दीजिए। भटुकनाथ भैया आप पहचाना नहीं भैया, क्षमा करना। तो कब से कह रहे थे? चतुरनाथ भैया ने बस दवाई मंगाया था, वही लेने के लिए आए थे हम तो। एक काम करो, काउंटर में मेरा नाम लेना, वो दे देंगे तुरंत। गलती हो गई भैया। ठीक है, नमस्कार भैया। नमस्कार। भैया, रुद्र की बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी खाली नहीं जाती। तीनों का शकल एक सही है, चतुरनाथ, भैरवनाथ और भटुकनाथ। ठीक ठीक ठीक, ओके। भैरवनाथ तू तो गया। ओ ताले, मेरे बच्चों, आओ, ताले लगाया था। सभी की तरह दिख रहा है, कौन सा फल चलो, इतनी सारी
रिवॉल्वर। एक काम करता हूँ, सारे पहले गायब कर देता हूँ। हाय मेरी जान, हम तो तेरे दीवाने हैं, एक चुम्मा देंगे। तुम कौन सा आदमी? तुम्हारे भैया कितने अच्छा लोग हैं और तुम देखो कैसे हो। अरे मेरी रानी, मेरी बाहों में आ जा, नहीं तो बहुत पछताएगी सही में। हट, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कचहरी में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें नागराज का हाथ था, और उस बम ब्लास्ट में ना तो मैं लगड़ा हुआ था ना मेरे दिमाग में कुछ हुआ था। ये सब जानकर डॉक्टर ने भी मेरा मदद किया। इनको पहचानते हैं आप? सर जिंदा है जी, जरा टंडन जी जिंदा हैं। उस बम ब्लास्ट में सिर्फ आप ही नहीं बचे थे, जरा टंडन जी भी बचे थे। और चतुर्नाथ जी एक बात और बताएं आपको, हम आपकी दोनों टांगे ठीक हैं। नागराज ने बहुत बड़ा प्लानिंग किया है। नागराज के इसी पर्दाफाश करने के लिए मैंने ये तीनों रूप लिए हैं। आप जिस प्लान में चल रहे हैं चलते रहिए, और हम सब आपके साथ हैं। इसलिए मैं अलग अलग रूप बना रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। नागराज अपने बैंक के आगे बम धमाका करके बस्ती वालों को चला के लाकर देना चाहता है। तुझे पता है ना, 300 करोड़ का बीमा कराया था मजदूरों का। हाँ कराया, कुर्सी कराया था वीरा। इसे बस्ती वालों को जला के लाख कर देगा, और वो जो बीमे की रकम है और वो सरकारी मौजा है वो लेके भाग जाएगा। और चतुर भैया ने कहा है वीरा को जाके आगाह करो, वो जाके पूरी बस्ती खाली करा दे। मैं उधर संभालता हूँ, तू सारी बस्ती को खाली करा। हम चतुर्नाथ भैया को बहुत गलत समझ रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उधर देखिए, मैं इधर देखा। अरे मंगल झोपड़ी जा रहा है वो, निकल। अरे भागो, अरे भागो, अरे बच्चों को बचाओ, अरे निकलो रे, अरे निकलो रे सबके सब। चल भैया बटुक। चलिए भैरव भैया, आपका समय आ गया। देश का मुर्दा मऊ के घाट ले आओ, नागराज के बैंक रखाओ। बटुक भैये अब तुम आराम से मरो। भैरव भैया हम है चिंते चिपके, चिपका दिए ना ला करके आपको इधर, वो भी बम के साथ। अब आप तो गए, साथ में नागराज बैंक भी गया। बस जाने का प्लान कर रहे हैं। देखता हूँ कैसे जलाते हैं बस्ती। पानी भर के गैलन में मिट्टी डाल के मिट्टी का तेल बनाऊंगा। भरिए ना सर। तुम इतनी जल्दी क्यों है, कर तो रहा हूँ। और भरिए सर। तीन सौ करोड़ नागराज की बैंक का बीमा। भैया सुन लेंगे तो बहुत मारेंगे। अरे बिजली कहाँ, बिंदिया छोड़ के कहाँ बंदूक उठा लिया है, मेरे दिल का स्विच ऑन कर दे जानी। तेरी लात खाने की आदत गई नहीं, इतना सीरियस ड्रामा चल रहा है और तुझे लव स्टोरी की सोच रही है। जानता नहीं, मेरा नाम बिजली है। बिजली बिजली जब कड़कती है ना तो अच्छा अच्छा की बोलती बंद कर देती है। और हाँ, बिजली जब किसी पे गिरती है ना तो बंदा उठता नहीं, उड़ जाता है। अगर तुझे मरने का शौक है ना तो बोलना, मैं अपना स्विच ऑन कर देती हूँ। लेकिन जिस दिन तू इस गोबर पे गिरेगी ना, तू भी सोना हो जाएगी। चल हट कनूटा, जा जा। अबे जला मशाल, बस 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 बस, यही जलाना है क्या? अबे यार आज तो पूरी बस्ती में धमाका होगा। अभी कुछ आवाज आई, छोड़ी क्या तूने? क्या यार, कहीं भी छोड़ देते हो यार तुम।
अबे यार कंट्रोल रखो। अबे तो क्या करूं यार, मेरा पेट खराब है यार। नागराज भैया ने कल भगा उड़ा के यार हालत खराब कर दी थी मेरे यार। अबे जला यार जल्दी कर। क्या यार जला ना, जला 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 जल नहीं तो क्या करूं। अबे यार रुक 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 रुक। अबे अभी मैंने छोड़ी है। अबे यार अबे बम फूटा, चल निकलते हैं। चल 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 चल। चल चल बैंक तो उड़ गया है, लेकिन अभी तक बस्ती क्यों नहीं जली? मैंने मना किया था ना बस्ती जलाने को। भाई साहब जो कर्जा लिए हैं 300 करोड़ कहाँ से पूरा होगा? अगर बस्ती नहीं जलवाएंगे तो बीमे का भी पैसा नहीं मिलेगा। अभी पिटे जा रहे हैं वहाँ पे, वो देखिए, मुझे भी जाने दीजिए। कहाँ कहाँ आग लगाए हैं पता ही नहीं चल रहा है। अरे माफ कर दे, झांसी की रानी छोड़ दे। नागराज भैया, भुजंगराज, आज भाई साहब बहुत जनता की सुध आ गई है आपको, लेबरों की बहुत चिंता हो रही है। नागराज मुझे पता था, इसलिए मैंने अपने आदमी पहले से वहाँ भेज दी है। भाई साहब आपने इतना बड़ा धोखा दिया। तुम्हें क्या पता था मेरे आदमी काम नहीं कर रहे हैं? भाई साहब हमसे धोखा किया। अबे मेरा गला क्यों दबा रहा है? अबे गला का दबा रहा था, मैं तो भैया को देख रहा था। भाई साहब आप मेरे काम में अड़ंगा मत डालिएगा बंगा, वरना क्या। कितने का बीमा है भाई साहब का? 10 करोड़ का है भैया। भाई साहब पैसे के लिए आप जानते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करो नागराज, गलत करो नागराज। अबे भैया है ना, ये सबों की ठोकरा है ये। अबे निकलते हैं, निकलते हैं। अबे चल जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। लगता है बस्ती में कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ तो अपने लोग ही पीटे जा रहे हैं। चुप, हाँ, 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 नहीं, 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 मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। हर दिन मैं दिमाग खराब कर दिया, लगता है हमें ही सारा काम निपटाना पड़ेगा। नागराज से पंगा हट तेरी तो। अबे चिपका, इसको पिचका। मार इसको WWF वाला नाम। मार, मार, मैं तेरे को लंगड़ा कर दूँ इसको। चोर नहीं तेरे चचा उबार दूँगा। चलाऊ सर, चलिए जल्दी। बोला था ना इस्तीफा दे दीजिए। अरे इस्तीफा क्या, भारत में पहले अपनी
जान बचाओ। अबे कौन है? अबे हाथी के बच्चे, चबा जाऊंगा कच्चे। कौन है? फर्जी आतंकवादी, अभी खत्म करता हूँ तेरी आबादी। अबे, अबे, है कौन बे? कहाँ भाग रहे हो? चला डालूंगा सबको, छोड़ूंगा नहीं। ए, रुको। क्या मुनीम जी, इतना पैसा चाहिए? बस बताइए आप। और कर चुप जाके एक वक्त। अबे कहाँ गए ये सब लोग आपस में मारते मारते? कहाँ दबक गए? अबे आज नहीं छोड़ूंगा किसी को। अरे मार डाला रे ये किरदार आजा आज एड़ी भी भरते मारता हूँ। अबे तू इधर क्या? आप उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। बहुत मार रहे हैं भैया, उधर मत जाइए, बहुत मार रहे हैं। इतनी बुरी हालत हो गई है? नहीं रुके रहो, अभी तुम्हारे दवा लाता हूँ मैं। बहुत मार रहे हैं। अभी बताता हूँ तेरी बीमा कंपनी को ना। तेल बहा झोपड़ी बचा, तेल बहा झोपड़ी बचा। अबे सबको चिपका ले। अबे सारा यही बाहर गिरा देगा क्या? अबे जलाओ आप। अबे क्या कर रहे हो? अबे जलाओ। मना कर रहा हूँ उन्हें, इस बार मान जा, नहीं तो उल्टा करके तुझको मैं पेड़ पे चिपका दूंगा। किसी तरह से झोपड़ी नहीं चलनी चाहिए। अबे कितना ढीला है, मैं डाल जल्दी कर बे। अरे मार डाला रे। अबे फोड़ दिया बे मेरा, अबे फोड़ दिया, मैं तो किसी काम का नहीं रहा। नागराज धोखेबाज, मार छोड़ेंगे नहीं आज तुझे। मार तू यहाँ कैसे? नहीं नागराज, मैं भैरवनाथ नहीं हूँ, मैं चतुर्नाथ। अभी ही गोली भी खत्म हो रही थी क्या भैया? चतुर्नाथ भैया की है। चतुर्नाथ, तूने मेरा 300 करोड़ का नुकसान कराया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तो इस खेल का अंत बाकी है। वो देखो नागराज, मैंने कहा था ना कि तू जब जब जहां जहां गलत काम करेगा, विराट टंडन तेरे सामने होगा। तो क्या कर लेगा मेरा तू? मैंने तेरा ऑलरेडी बिगाड़ दिया है। तुझे पता भी नहीं मैंने तेरी एक वसीयत तैयार की है, और उस वसीयत में जानता है क्या लिखा था?
मैंने लिखा था कि तेरे मरने के बाद ये तेरी जो सारी संपत्ति है ना, इन गरीब मजदूरों को तुम्हारी मौत के बाद मिल जाएगा। और यही नहीं, चतुर के जरिए मैंने उस वसीयत पर तेरे दस्तखत भी करवा लिए थे। चतुरनाथ कितना साइन तू कराता रहता है? ये ले बैसाखी, इसके सहारे तू बच सकता है। ये तुमने मुझे दिया था ना, आज मैं तुझे लौटा रहा हूँ। ये बैसाखी, तेरे पास एक बचने का सहारा था, उसको भी तूने ठुकरा दिया। ये देख, ये रहा वो वसीयत। बैसाखी में वसीयत? चतुरनाथ भैया जिंदाबाद, चतुरनाथ भैया जिंदाबाद। जब तक मैं नहीं मरूंगा ना, किसी को फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। नागराज के मरे बिना आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। मैंने इतना मदद कर दिया है, अब तुम लोग सोच लो क्या करना है। तुमने मेरे यकीन को पूरा का पूरा सही साबित किया। मैं जानता था ना कि तुम एक ऐसे सच्चे इंसान हो जो इस काले कोट की इज्जत को रखोगे। आज नागराज का खात्मा करके तुमने मेरे भरोसे को सच साबित किया है। हर इंसान को अपने देश के कानून पे भरोसा होना चाहिए। इसके लिए अपने अंदर के चतुरनाथ को जगाना बहुत जरूरी है।